ओम शांति। सबसे पहले परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि नामों से जानते हैं और याद करते हैं, उस परमात्मा जिनको हम ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा कहते हैं, जो मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हैं, तो उस ज्ञान के सागर अविनाशी सर्जन, जिसे हम भारत में वैद्यनाथ कहते हैं, तो ऐसे शिव बाबा और जिनके तन में प्रवेश करके पिछले 86 वर्षों से विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, वो हमारे ब्रह्मा बाबा, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में अनुभूति सेंटर के सभी ब्रह्मा कुमारिया, विशेष वैशाली बहन, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ये हमारी सीरीज चलने वाली है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, क्योंकि मैं बहुत स्लो जाने वाला हूँ। देर आर सर्टन क्वेश्चंस रेज बाय द पीपल इन इंडिया, तो उनको भी मैं एड्रेस करने वाला हूँ। तो हम धीरे धीरे जाएंगे, स्लोली जाएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। वैसे भी हमारा डॉक्टर्स का अपब्रिंगिंग, स्पेशली एलोपैथ का, बहुत रिजिड होता है। हम लोग उतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितना आयुर्वेदा और होम्योपैथी वाले हैं, और उसमें भी हमारा जो स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल रिसर्च, वो तो और ही रिजिड होते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू चेंज, हम बदलना नहीं चाहते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव आपको बताऊं तो आई वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट ऑल दिस हीलिंग मेथड्स। मैं इन सब मेथड्स को नहीं मानता था। बाबा के पास आने के बाद भी मैं इन मेथड्स को नहीं मानता था, लेकिन जब परमात्मा के महावाक्य सुने, तब मुझे लगा कि हमको इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो विशेष परमात्मा ने जो महावाक्य सुनाए थे, जिनको हम मुरली कहते हैं, उसमें दो बार ये बात आई थी। एक तो जो हम सब जानते हैं कि परमात्मा शिव बाबा ने हमको बताया कि आप जो भी योग करते हो तो आप योगी नहीं, प्रयोगी बनो। खास डॉक्टर्स के लिए परमात्मा के महावाक्य है कि अपनी बीमारियों के ऊपर या अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर योग का प्रयोग करो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, रिजल्ट के ऊपर, तो प्रयोग करना चाहिए, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरा, चक्रा हीलिंग के बारे में बाबा ने एक मुरली में कहा, वो भी मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि जैसे वो, माना जो चक्रा हीलिंग करते हैं, वो कहते हैं कि अभी ये चक्र एक्टिवेट हो गया, अभी ये चक्र हो रहा है, ऐसे आप राजयोग की अनुभूति उनको कराओ, ये नवीनता लाओ। तो मुझे उस समय लगा कि हमको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। तीसरी बात, क्यों मैं इसमें स्टडी करने के लिए आया, कि जब हम बाहर जाते हैं लौकिक में, तो वहां पे मिक्स्ड ऑडियंस होता है, उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, तो वो लोग हमको प्रश्न पूछते हैं कि आपके मेडिटेशन में, मैंने जो ब्रह्मा कुमारी राजयोग सिखाते हैं और चक्रा हीलिंग में क्या फर्क है, आप तो कहते हो राजयोगा करो, तो राजयोगा में, चक्रा हीलिंग में और बाकी जितने भी मेडिटेशन है उसमें और आप में क्या फर्क है। तो जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, तब तक हम इसको बता नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से स्टडी करना हुआ, और जो भी अनुभव हुए वो आपके सामने मैं अभी रखने वाला हूँ। विद दैट स्मॉल बैकग्राउंड, तो ये ब्रह्मा कुमारी इस मेडिटेशन में हम इस तरह से खुद को आत्मा समझकर परमात्मा शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं।
मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ नॉन वीकेस भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। सो विल स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। आप इसमें देख रहे हैं कि वी आर कनेक्टिंग विद द सुप्रीम हीलर और सुप्रीम सोर्स ऑफ द एनर्जी, और दिस एनर्जी इज कमिंग टू अस थ्रू सर्टन पार्ट्स ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड देर इज समथिंग विच हैपेंस। तो हम इसके डिटेल में जाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ राजयोगा हेल्प्स इन हीलिंग अवर सेल्फ। सबसे पहले मेरी ये स्लाइड है, दिस स्लाइड इज फ्रॉम आयुर्वेदा। दिस इज अ स्लाइड, अगर आप देखते हो तो इसमें द ओल्डेस्ट सर्जन जिसको ऑल वर्ल्ड, पूरा विश्व जिसको स्वीकार करता है, उसका नाम है सुश्रुत, सुश्रुत संहिता करके एक बुक है। अभी ये 5,000 साल पहले एज पर लौकिक कैलकुलेशन, एज पर ब्रह्मा कुमारीज इट इज 2,500। तो 5,000 साल पहले उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था लोगों के पास में, और आप अगर देख रहे हैं तो सुश्रुत ने बहुत सारी सर्जरीज डिस्क्राइब की है। और जैसे आज हमको एलोपैथी में डिसेक्शन सिखाया जाता है, बॉडी को हम समझते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, अंदर क्या क्या है देखते हैं। तो सुश्रुत ने 5,000 साल पहले, उस समय माइक्रोस्कोप था कि नहीं पता, हमको पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कहीं वर्णन वैसे नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते थे, डेड बॉडी को बहते हुए पानी में रखते थे और हाथ में ब्रश लेते थे जिसको कुंचला कहते थे। वो ब्रश से एक एक करके लेयर को साफ करते थे। उस समय सुश्रुत ने 5,000 साल पहले कहा कि ये जो हमारी त्वचा है, स्किन है, उसके अंदर 7 लेयर्स है। 7 लेयर्स है, जो आज आपको ऊपर का फोटो दिखाई दे रहा है, ये एपिडर्मिस और डर्मिस, ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब ऐसा दिखाई देता है। उस समय सुश्रुत को कैसे पता चला कि ये स्किन के अंदर इतने 7 लेयर्स हैं? सो डेफिनेटली ये ऋषि मुनि जो होके गए, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनके पास पावर्स थी, और इन्होंने अपने तीसरे नेत्र से ये बातें देखी है, थर्ड आई, क्योंकि इन आंखों से तो हम स्किन के 7 लेयर को देख नहीं सकते। तो दिस इज फर्स्ट प्रूफ दैट दे हैड पावर्स, और ये आयुर्वेद से आया है। और आयुर्वेद, अगर आपको पता हो, 4 वेद है, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक अवेलेबल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें अथर्ववेद का उपवेद बताया हुआ है। वेद शब्द ही हमको कहता है, वेद माना जिसने जाना है, टू नो। तो उनको पता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसी टेक्स्ट में इसका वर्णन है जो एलोपैथी में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो जो भी योग शास्त्र की किताबें हैं उसमें, खास करके तैतरीय उपनिषद, देर आर 108 उपनिषद अवेलेबल, तो उसमें ये 5 कोश का वर्णन है। इसको संस्कृत में कहते पंच कोशा। ब्रह्मा कुमारी इसका एजुकेशन विंग की तरफ से एक बहुत अच्छा कोर्स होता है जिसको कहते काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, MSc है। तो उसमें इसका वर्णन आता है, पंचकोशा के बारे में बताया गया है। बिकॉज अगर आपको किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, हमको शरीर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप शरीर को नहीं समझे आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, शरीर और मन के भी। मैं उसके ऊपर आने वाला, पर मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा कि ये 5 लेयर्स जो है ये ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हम देखने वाले हैं। तो इसका वर्णन तैतरीय उपनिषद में आया हुआ है, जो योग शास्त्र के किताबों में भी है। तो इसमें क्या बताया है कि हमारा शरीर में 5 शीत है, कोश माना लेयर्स या शीत कह सकते हैं। तो सबसे बाहर का जो अभी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अन्नमय कोशा, माना अन्न से बनता है, जो भोजन हम स्वीकार करते हैं, अन्नमय कोशा।
एंड दिस इज द मोस्ट क्रॉस फॉर्म, सबसे स्थूल फॉर्म जो हमको दिखाई देता है, बाकी सब हमको दिखाई नहीं देते। और एलोपैथी या मॉडर्न साइंस के अनुसार जो दिखाई नहीं देता वो सच मानते नहीं है। तो आयुर्वेद के सीयर्स जो थे या योगी जो थे वो अपने दिव्य दृष्टि से इन लेयर्स को देखते थे। हम इसके ऊपर भी आगे जाने वाले हैं। पहला अन्नमय कोशा और अन्नमय स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद सेकंड लेयर आता है प्राणमय कोशा, माना प्राण का शरीर जिसको एनर्जी बॉडी कहा गया है। मोस्ट ऑफ द हीलिंग में ये एनर्जी बॉडी को यूज करते हैं। उसके बाद मनोमय कोशा या जिसको किसी ने इमोशनल बॉडी कहा हुआ है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जिसमें उनका एक ही कंप्लेंट होता है, ये तो इमोशनल अपडाउन्स होते हैं या शरीर के अंदर दर्द होता है, डिफरेंट पेन्स इन द बॉडी, जबकि रिपोर्ट आपका नॉर्मल है लेकिन शरीर में दर्द है। सभी रिपोर्ट नॉर्मल है MRI CT स्कैन के, लेकिन बॉडी में पेन है। तो हम ये देखने वाले हैं, देयर इज समथिंग नोन एज इमोशनल बॉडी, और इमोशंस हमारे शरीर के अंदर ट्रैप रहते हैं। ट्रैप, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड, हमारे शरीर में इमोशंस फंसे हुए रहते हैं। जब भी किसी को डर की भावना आती है तो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक, तो डर का और पेट का कनेक्शन है, और चिंता और पेट का भी कनेक्शन है। ये इमोशंस हमारे में बॉडी में जाके बैठ जाते हैं, आपने ये सब सुना होगा। हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं कि इमोशनल हीलिंग कैसे हो सकता है और कैसे इन ट्रैप इमोशंस को राजयोगा से हम रिलीज कर सकते हैं। देयर इज अ वे ऑफ रिलीजिंग ऑल दिस ट्रैप इमोशंस, और दे हैपन ऑटोमेटिकली इफ यू आर अ गुड योगी, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा इसमें अनुभव होता है। हमको डॉक्टर्स को एलोपैथी में सिखाया जाता है कि अल्सर, पेट में जो अल्सर होता है, इट इज नॉट कॉज्ड बाय व्हाट यू ईट बट व्हाट इज ईटिंग यू, आप क्या खाते हो इससे ज्यादा आपको कौन सी बात खा रही है उससे पेट में अल्सर होते हैं। तो एंगर एंड फियर, ये सब इमोशंस बॉडी में ट्रैप रहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गट फीलिंग। मेरे गट में ये फीलिंग है, तो गट में वो इमोशंस जा रहे हैं। आपने मेरे दिल को धोखा दिया या दिल को तोड़ा या ठेस पहुंचाई, इट इज नॉट लिटरली स्टैबिंग योर हार्ट, लेकिन वो इमोशन हार्ट में जाके पड़े हैं, ट्रैप्ड इन द फिजिकल बॉडी, क्योंकि बाद में वो फिजिकल बॉडी में आते हैं, अंदर से वो आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये मेरे दिमाग में जाते, ये मुंबई की भाषा है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर दिस लैंग्वेज, बट ये मुंबई की भाषा है, ये मेरे दिमाग में जाता है करके, माना ही और शी इज इरिटेटिंग में। तो जब आपके दिमाग में कोई जाता है तो आपको हेडेक होगा, सो दैट इज अ पेन देयर, एंड द पेन इन द काफ एंड द बैक, ये सब हमारे इमोशंस आर ट्रैप्ड इन अवर इमोशनल बॉडी, विच बाद में वो हमारे फिजिकल बॉडी में आते हैं। फिर देर इज समथिंग नोन एज विजडम बॉडी और विज्ञानमय कोशा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे कि ये मनोमय एंड विज्ञानमय, तो इट बिकम्स मन और बुद्धि एज पर राजयोगा, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के अनुसार मन बुद्धि और संस्कार ये आत्मा के अंदर होते हैं, और दीज आर द एनर्जीज, ये हमारी एनर्जीज है जो हमको या तो स्वस्थ रखती है या फिर अस्वस्थ करती है। लास्ट इज आनंदमय कोशा, और जिसको ब्लिस बॉडी कहा हुआ है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये पांच कोशों का वर्णन जिन भी सीयर्स या ऋषि मुनियों ने किया है, किस आधार पर किया होगा, और ये लोग क्या करते होंगे कि इन कोश तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और इन कोश के अंदर से बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं।
तो जैसे हम राजयोग में बताते हैं, राजयोग मेडिटेशन में, कि संस्कार के आधार पर शरीर बनता है। जैसे हमारा संस्कार है वैसे हमारा शरीर है। तो वो डीप डाउन में से आता है संस्कार, आत्मा के अंदर है सोल और एनर्जी। तो हम जैसे टाइम मिले हम इन कोशों के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। मैं इसके बारे में आपको और बताने वाला हूँ, धीरे धीरे हम जा रहे हैं। प्लस रिमेम्बर दिस कोशास, अभी हमको जो दिखाई देता है अन्नमय कोश दिखाई देता है। देर आर फ्यू पीपल हु कैन वॉच द अदर कोशास, जैसे एनर्जी बॉडी, या कुछ लोगों को ऑरा दिखाई देता है। मैंने इस जन्म में कोई भगवान की भक्ति वगैरह की नहीं है, लेकिन मुझे आई हैड सर्टन विजन्स, मुझे कुछ साक्षात्कार हुए, पर मैं उसके बारे में बताता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ पे आया है इसलिए मैं बताता हूँ कि मुझे लाइट का साक्षात्कार होता था, बिंदी का साक्षात्कार। तो बींग एन एलोपैथ डॉक्टर, मुझे पहले लगा था कि मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम है। तो आई वेंट टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दिन में तारे दिखाई देते हैं ना, दैट इज लिटरली द सेइंग इन हिंदी। हिंदी में ऐसे कहते हैं, दिन में तारे दिखाई देना। तो उन्होंने सब आंखें चेक किया, बोला आपकी आंखें तो अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो, तो आप विटामिन का कोर्स करो। तो मुझे 1 महीना वो सुपराडीन की गोली दिया गया, थेरापेटिक, क्योंकि वेजिटेरियंस लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। वो लेने के बाद भी वो तारा नहीं चाहता था देना है। ऑब्जर्व वेरी क्लोजली कि कब ये दिखाई देता है, तो मेडिटेशन में दिखाई देता है, डीप थिंकिंग में आ जाता है वो स्टार। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी के सीनियर भाई बहनों को पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम बुद्धू हो, तुमको साक्षात्कार हो रहा है। मैंने कहा फायदा क्या है इस साक्षात्कार का, मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो बिंदी है और लाइट है। कुछ लोगों को ये सब दिखाई देता है, हम उसके ऊपर भी आने वाले हैं कि ये एनर्जी है और ये एनर्जी कैसे काम करते हैं। एट दिस मोमेंट आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हम जो हीलिंग करते हैं, एटलीस्ट इन चक्रा हीलिंग में जो भी काम करते हैं, वो प्राणिक एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। प्राणिक, क्योंकि अन्नमय कोशा एक्चुअली देखा जाए तो दो ही है, अन्नमय कोशा और आत्मा, माना शरीर और आत्मा, ये दो एनर्जी है। इसको बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट बिठा देना, देर इज नथिंग, एक आत्मा है और एक शरीर है, बस ये दोनों का इंटरेक्शन है। बीच में ये लेयर्स निकाले हैं इन्होंने, वो हमारे ईज के लिए, हमको समझने के लिए है, नहीं तो केवल आत्मा है और शरीर है। तो ये प्राणमय कोशा जो है, एनर्जी बॉडी, इट कनेक्ट्स। एक रिसर्च का सब्जेक्ट है कि अगर हम आत्मा है और शरीर हमारा वस्त्र है, जो कि भगवत गीता कहती है, दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ते पुष, न शोषयति मारुता। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो ये दोनों जुड़े कहाँ पे है, हाउ दे आर कनेक्टेड टू इच अदर, सो देयर मस्ट बी सम मीडियम जो दोनों को कनेक्ट करता है, एंड दैट इज द एनर्जी जहां पे ये एक्सचेंज होता है। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, एंड आई एम कनेक्टेड टू दिस बॉडी थ्रू समथिंग। ये थ्रू समथिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये प्राणमय कोश है, प्राण है जिसके साथ, और जब कोई व्यक्ति मरता है, या ब्रह्मा कुमारी में कहते शरीर छोड़ता है, तो कहते उसके प्राण चले गए, प्राण चले गए, माना उसकी एनर्जी हैज लेफ्ट द बॉडी, जो कनेक्टेड था वो चला गया। सेकेंड थिंग, जो लोग शरीर से डिटैच होते हैं, इवन इन लौकिक वर्ल्ड, लौकिक दुनिया में, दे आर कनेक्टेड टू दिस फिजिकल बॉडी थ्रू अ कॉर्ड, एनर्जी कॉर्ड कहते हैं इसको, वो एनर्जी कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखें, ये 5 लेयर्स है, और जितना हम योग की गहराई में जाएंगे, अपने शरीर और मन की बीमारियां ठीक करते हैं, तो उतना हम
सूक्ष्म होने लगते हैं और हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली होती है। जैसे भारत में एक्चुअली तो सब गया तो भारत में ही है, लेकिन इस समय ये हाउ यू प्रोनाउंस इट, ताई ची और कुछ लोग की बोलते हैं, तो ये भी एक एनर्जी है। हमारे शरीर के हर अंग से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी जो जाती है वो आंखों से जाती है और हाथों से जाती है और पैरों से जाती है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग कि ये कहावतें जो भी आई है ऐसे ही नहीं आई है। हिंदी में एक कहावत है, आई डोंट नो अमेरिका वाले हिंदी कितना अच्छी तरह से समझते हैं, संस्कृत शब्द से आए, वो कहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे, माना कृपा की दृष्टि रहे, भगवान से भी कृपा मांगते हैं। तो कृपा दृष्टि का मतलब है आंखों के द्वारा आपकी कृपा हो। तो ब्रह्मा कुमारी में एक हम अभ्यास करते हैं कि हम दृष्टि लेते हैं सीनियर योगी से, इवन हम परमात्मा से जब मिलते थे तो बाबा से दृष्टि लेते थे, क्योंकि आंखों से एनर्जी जाती है, क्योंकि आंखें जो है दे आर वेरी नियर टू द सोल, ये सोल यहाँ रहता है तो आंखें उसके नजदीक है, तो वो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफॉर्म आंखों से होती है, हाथों से होती है। कहते हैं कि आपका वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर हो, ये भी इंटरेस्टिंग है, वरद हस्त और वो भी सिर के ऊपर हो, दिस इज एक्चुअली चक्रा हीलिंग। आप चक्रा हीलिंग को एक्सेप्ट करो या न करो, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, पर हमारे घर घर में चक्रा हीलिंग होता है, क्योंकि वरद हस्त सिर के ऊपर रखना माना आप चक्र को हील कर रहे हैं, यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी। तो ये ताई ची में सिखाया जाता है कि एनर्जी को कैसे यूज करें। देयर आर थ्री इटर्नल एनर्जीज हम आगे देखने वाले हैं राजयोग के हिसाब से, एक है आत्मा, एक है प्रकृति और एक है परमात्मा। ये तीनों इटर्नल एनर्जी का खेल है जिसको हम शिव शक्ति का डांस कहते हैं। तो ये एनर्जी को अगर आप अच्छी तरह से यूज करना जानो तो आप बहुत सारे हीलिंग कर सकते हैं, अपना और दूसरों का भी। तो ये ताइची एनर्जी है, मैं फोटो इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए, आप अभी भी अनुभव कर सकते हैं कि आपके पास ये एनर्जी प्रचुर मात्रा में है। मुंबई में या भारत में इस समय सुबह के 6 बजे है, 6 बज के हो गए कुछ मिनट, तो आपके यहाँ पे शाम का टाइम है। ये दिन की भी एनर्जीज होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग एनर्जी, सुबह का समय बहुत अच्छा कहा गया। आप अभी भी कर सकते हैं, अगर आप अपने हाथ को थोड़ा रब करके इस तरह से, अगर दो हाथों में आप ऐसे अंतर रखो, दो हाथों को मैं थोड़ा ऐसा अंतर रख के आप दोनों हाथों को नजदीक लाओ और दूर लेके जाओ, तो आपको पता चलेगा आपके दो हाथों के बीच में एक एनर्जी है जो आपको दिखाई नहीं देती, पर एक मैग्नेटिक पुल जैसा लगता है, पुल एंड पुश, ये आपकी एनर्जी है। और जितना आप अच्छे योगी हो, जितना आप अच्छे योगी हो, आपकी एनर्जी आप दूर तक भेज सकते हो, जिसको डिस्टेंट हीलिंग कहते हैं। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री सुना ब्रह्मा कुमारी यज्ञ की हिस्ट्री, तो उसमें एक हिस्ट्री आती है कि हमारे फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने एक बाबा के बच्चे के लिए रात भर जाग के योग किया। उनका नाम था विश्व किशोर, भाऊ कहते थे उनको प्यार से, ब्रह्मा बाबा के लौकिक रिश्तेदार थे और बहुत ही सीनियर व्यक्ति और बहुत ही निश्चय बुद्धि थे। तो उनको जब दर्द हो रहा था, वो दूर थे, बाबा मधुबन में थे, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने रात भर जाग के, वी यूज वन वर्ड इन ब्रह्मा कुमारी, सकाश, एनर्जी को ट्रांसफर किया, कंटिन्यूस एनर्जी को ट्रांसफर किया। और विश्व किशोर भाऊ ने कहा कि अभी मुझे आराम पड़ गया है। So what is this? This is distant healing by passing your energy to others. ऐसे ही
हम अपने एनर्जी को खुद हील कर सकते हैं, वी डोंट नीड अदर पर्सन मेरे हिसाब से। और ये डेली हम चक्रा हीलिंग अपना खुद कर सकते हैं। और भारत में ये ट्रेडिशन था, अगर आप जानते हो, मैं उस ट्रेडिशन के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे इट वाज ऑटोमेटिक इन इंडियन कल्चर्स, भारत के कल्चर में ही था कि अपने चक्रा को ठीक करें डेली। भारत में थोड़ा मैं बता दूं भारत के कल्चर के बारे में, सुबह उठ के 5 श्लोक बोले जाते हैं। आप में से कितने करते हैं मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं करता था, पर जब स्टडी करने गया इंडियन स्पिरिचुअलिटी तब मुझे पता चले। पहला ही श्लोक सुबह उठ के वो कहते हैं ऐसे हाथों को सामने रख के कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मना कर के टिप पे लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और मूल में गोविंद है, और प्रभात में सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, और फिर इन हाथों को हम चेहरे के ऊपर ऐसे लेके जाते हैं। आजकल वो हठ योगी भी सिखाते हैं ऐसे करो। एक्चुअली दिस इज हीलिंग, यू आर हीलिंग योर चक्रा अनोइंगली, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रही, यू आर क्लिंसिंग योर चक्रा। सेकेंड श्लोक जो है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। माना सुबह उठते ही आपका पैर आप धरती के ऊपर रख रहे हैं, तो धरती को भी, माना इट्स अ प्लैनेट, उसको उन्होंने भारत में धरती को माता कहा है, उसको विष्णु की पत्नी कहा है, तो उसके ऊपर पैर रखने से पहले उसकी क्षमा मांगो कि हे धरती माता मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखने वाला हूं। कितना सेंसिटिव होंगे, तो आप सोचो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं आपके ऊपर पैरों से आपको स्पर्श कर रहा हूं। देवर सो अवेयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। उसके बाद तीसरा श्लोक आता है, जब आप स्नान करते हैं तो उस वक्त बोलते हैं कि गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करो। माना सभी जो पवित्र नदियां हैं उनको याद करके जल तत्व को भी प्रणाम करते हैं। अभी धरती को किया, जल को किया, सभी पवित्र नदियों को किया, और फिर वो जाते हैं ग्रहों के ऊपर, ग्रहों के जो नवग्रह है उनकी भी एनर्जी को वो लेते हैं। आप सोचो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की एनर्जी, माना ये सब हमारे कल्चर में था। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम्। माना ये नवग्रह दे आर ऑल्सो प्लैनेट, उनकी एनर्जी को वो इन्वोक करते थे। फिर सूर्यष्टक है, ये सूर्यष्टक माना बिल्कुल राजयोग मेडिटेशन है, इसमें 8 श्लोक है, उसमें एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर्व पापहरम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। माना सभी पापों का नाश करने वाले सूर्य तुझे नमस्कार हो। तो इस तरह से हम डेली अपनी एनर्जीज को क्लीन करते थे। आपको पता है सूर्य का सुबह दर्शन करते हैं भारत में, सूर्य को पानी देते हैं, तो आप पानी में खड़े हैं पानी दे रहे, जल तत्वों को ले रहे, सूर्य का प्रकाश ले रहे। आज के डॉक्टर्स कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी होता है, विटामिन डी से मूड अच्छा होता है, ये आज का मॉडर्न साइंस कह रहा है, लेकिन भारत में तो परंपरा है कि सूर्य को लेना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का त्राटक बताया हुआ है। तो ये सब एनर्जीज है ऐसे मुझे लगता है। हम थोड़ा आगे जाएंगे, अभी मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर आए हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन कैसे देखता है चक्रा को, तो वो देखेंगे। मैंने देखा है कि भारत में बहुत विस्तार हुआ है, तो भारतीय लोग बहुत सारी बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ लोगों ने इसको एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जोड़ा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां रहती हैं, ये ग्रंथि शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है। ग्रंथि माना गांठ, ठीक है, तो हमारे अंदर
मैं हमेशा कहती हूँ कि मन के अंदर जो गांठें पड़ी है उसको खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोला तो बीमारी आ जाएगी, हम उसके ऊपर भी समय मिला तो देखेंगे। लेकिन दिस इज व्हाट, हम जब डिसेक्शन करते हैं तो हमारे सामने ये दिखाई देता है, मेल एंड फीमेल के अंदर ये ग्रंथियां है, और ये ग्रंथी हमारे चक्रास के साथ जाती है। और इज इट अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये ग्रंथि उतनी है जितने चक्रा है। आप देखो नीचे से हम शुरुआत करते, बिकॉज चक्रा स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो फीमेल में ओवरीज होती है, मेल में टेस्टिस होते हैं। थोड़ा ऊपर आओ पेट की तरफ तो किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड होते हैं, जिनको हम एड्रिनल या सुप्रा रिनल, सुप्रा माना ऊपर, रिनल माना किडनी, किडनी के ऊपर है इसलिए उसको सुप्रा रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि एड्रिनालिन जो हमारे शरीर में आता है वो यहाँ से निकलता है। उसके ऊपर जाओ पेट में, स्टमक के पास और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो पैनक्रियाज रहते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है सब बातें, पैनक्रियाज से जूस निकलता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाज में दोनों ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन जो हमारा भोजन को पचन करती है, और दूसरा जो इंसुलिन को निकालती है। तो इंसुलिन को निकालने वाली जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और पैनक्रियास के अंदर इतना पावरफुल जूस होता है। आपको बता दूं यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है, तो मणिपुर मीन्स फायर। तो ऐसे बताते अगर पैनक्रियास से वो फट जाए तो पूरा आपके पेट को वो खत्म कर सकता है, जला सकता है, इतना पावरफुल जूस होता है। जिनको पैनक्रियाटाइटिस होता है उनको पता है या क्या प्रॉब्लम होता है, कितना दर्द होता है, बिकॉज वो पावरफुल यहाँ से निकलता है एंजाइम्स। ये तीन चक्रा हो गए, तीन इसके साथ मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर। थोड़ा ऊपर जाओ तो हार्ट के बाजू में एक थाइमस नाम की ग्रंथि होती है, थाइमस बिहाइंड अवर चेस्ट बोन, जो स्टर्नम है ऊपर उसके पीछे थाइमस नाम की ग्रंथि होती है। उसके ऊपर जाओ गले में जहां पर विशुद्ध चक्रा होता है वहां पे दो ग्रंथियां होती है, थायराइड और पैराथायराइड। ये हमारा स्पीड को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है, इसके बारे में भी हम समय अनुसार देखेंगे। तो थायराइड यहाँ पर गले में होती है। थोड़ा आप ऊपर जाओ तो यहाँ पे जहाँ पे आत्मा का स्थान बताते हैं वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम पहले मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड कहते थे। ये आज्ञा चक्र के साथ जाती है, और उसके बाद एक और ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, जो उसके नजदीक होती है, जो सहस्त्राधार चक्र के साथ जाते हैं। तो ये सब ग्लैंड्स हमारे चक्रों के साथ कोलैबोरेट होता है, एंड दीज आर एनर्जी सेंटर्स। दिस इज व्हाट एलोपैथिक मेडिसिन कहता है। अभी जब हम डिसेक्शन करते हैं, अभी लिटरली हम चक्रा के ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा स्पाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज समथिंग नोन एज, जो हीलिंग में काम करते हैं उनको पता है कि एक अलेक्जेंडर टेक्निक होता है, आप गूगल में देख सकते हैं। तो इस अलेक्जेंडर टेक्निक में क्या बताते हैं कि आपका स्पाइन कैसे है, स्पाइन को सीधा रखने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी भी आप लोग किस पोस्चर में बैठे हैं मुझे नहीं पता, आपका पोस्चर अगर ठीक नहीं है तो हमारी एनर्जी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती और हमको बीमारियां होती है। तो स्पाइन को जब हम डिसेक्ट करते हैं, ये स्थूल नेत्रों की बातें, सूक्ष्म बातें नहीं है, तो हम उसमें क्या देखते हैं, तो उसमें बंच ऑफ नर्व्स देखते हैं, माना नर्व्स है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं ऊपर ब्रेन है, ये सेरिबेलम है, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे इसमें से जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड नीचे आके एक ऐसे कोन की तरह होता है जिसको कोनस मेडुलरिस कहते हैं। उसके बाद वो घोड़े की पूंछ की तरह रहता है, इसलिए कॉडा इक्वाइना कहते हैं। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसमें से जाता है। तो इंटरेस्टिंगली प्लक्सिस के साथ, प्लक्सिस माना ग्रुप ऑफ नर्व्स, ये सब चक्रा जुड़े हुए हैं। आप नीचे जाओगे तो सैक्रल प्लक्सिस है, लंबो सैक्रल प्लक्सिस, दोनों प्लक्सिस साथ में है, फिर ब्रैकियल प्लक्सिस है, सर्वाइकल प्लक्सिस है, और ब्रेन है।
दिस इज ऑल्सो फिजिकल कोरिलेट ऑफ सटल एनर्जीज ऑफ चक्रास, माना जो चक्र हम आंखों से नहीं देख सकते, जो ऋषि मुनियों को उनके थर्ड आई से दिखाई देते थे, उसके साथ जुड़े हुए ये फिजिकल कोरिलेट्स है हमारे ब्रेन के अंदर। तो हमने देखा शुरुआत में पंचकोश में, अगर हम सूक्ष्म में से कोई चीज को निकालते हैं तो स्थूल में भी उसका इफेक्ट आता है। दिस इज हाउ एनर्जी हीलिंग हैज बीन शोन टू बेनिफिट। तो ये ध्यान में रखो कि जो गर्दन का हिस्सा है उसको सर्वाइकल कहते हैं, जो छाती का हिस्सा है उसको थोरैक्स कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जो कमर का हिस्सा है उसको लंबार एरिया कहते हैं या फिर सैक्रल एरिया कहते हैं, और लास्ट में जो हमारा टेल बोन है उसको कॉक्सिक्स कहते हैं। ये सब में नव होते हैं एंड दे कोरिलेट विद द चक्रा। दिस इज व्हाट फिजिकल काउंटर पार्ट्स ऑफ द चक्रा। अभी जब एक व्यक्ति चलता है तो उसके चक्र किस तरह से काम करते हैं, अभी हम यहां पर थोड़ा सॉरी देखेंगे कि कैसे ये चक्र काम कर रहे होते हैं। जब भी हम चलते हैं वी आर कॉन्स्टेंटली इमिटिंग सर्टन एनर्जीज, हमारे द्वारा एनर्जीज निकल रही होती है। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं दोनों तरफ है, ओपनिंग आगे भी है पीछे भी है, और अगर आप अच्छी तरह से देखोगे इट इज लाइक अ वॉर्टेक्स। ये एनर्जी सेंटर्स है, इसमें एनर्जी आती भी है और जाती भी है, दोनों है, एनर्जी आती भी है और जाती भी है। और अगर आप गहराई से देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि फीलिंग सेंटर्स, विल सेंटर्स और मेंटल सेंटर्स, है ना, तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी डायनामिक्स हमारा चल रहा होता है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, इट इज हैपनिंग। एंड एज पर करंट मॉडर्न साइंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, वो तो हमारे समझ से बाहर है क्वांटम फिजिक्स, लेकिन थोड़ा जो भी पढ़ा है इट इज इंस्टेंट। अभी आप अमेरिका में बैठे हैं और मैं आपको यहाँ से आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, या मैं आपको एनर्जी भेज सकता हूँ, आपसे रिसीव कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं हीलिंग की लैंग्वेज में एनर्जी कॉन्टैक्ट, हमारा कंटिन्यूस एनर्जी कॉन्टैक्ट हो रहा है। एंड हायर योगीज आर अवेयर ऑफ देयर एनर्जी कॉन्टैक्ट विच आर हैपनिंग। अभी आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो, सोफा के ऊपर बैठे हो, जिस रूम में बैठे हुए हो, यू आर कनेक्टेड विथ योर एनर्जीज कंटिन्यूसली। आप ले रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है। तो ये फिजिकल बॉडी में जो भी एनर्जी आती है ये इन सेंटर्स के द्वारा आती है। तो देर आर हायर प्लेन्स, देर आर लोअर प्लेन्स। तो ये चक्रा यहाँ पर इस तरह से योगियों को या जिनके पास ये पावर्स है उनको दिखाई देती है। तो जब ये चक्र को देखते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कलर्स है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, या ब्लू है, या वायलेट है, ये हमारे दृष्टि का दोष है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे अभी हमने हाथ का देखा, हाथ के बीच में एनर्जी है लेकिन हमको दिखाई नहीं दी, बट आई कैन फील इट, तो मैं फील कर सकता हूं। तो ये एनर्जी को फील किया जाता है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये पावर्स होती है जो देखते हैं। हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम है विबजार, माना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमको दिखाई देते हैं। रेड के बाद इंफ्रा रेड बोलते हैं और वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इट डजेंट मीन दे डू नॉट एग्जिस्ट। सो दीज आर द कलर्स विच आर सीन बाय सम पीपल कैनॉट सी इट,
आप इसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो, बट दीज एनर्जीज एग्जिस्ट. अभी हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती है. मैंने कहा हमारे घर घर में चक्रा हीलिंग है. दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डेली चक्रा हीलिंग. मुझे पता नहीं आप लोग कितने, आप लोगों के कितनों के घर में पैर छूने की प्रथा है या बड़ों के पैर छूते हैं. अगर आप इस चित्र को अच्छी तरह से देखेंगे, ये तो बैठ के पैर छू रही है, कोई खड़े रह के झुक के पैर छूते हैं. अभी इस पोजीशन में आप देखेंगे, सो दिस ओल्ड लेडी जो हमारी दादी थी, ये एक्चुअली चक्रा हीलिंग करती थी. आप अगर देखो, अगर ये इसकी बेटी है या बहू है, ये पैर को छू रहे हैं. तो हमने तीन जगह से देखा, एनर्जी जाती है हाथों से जाती है, पैरों से जाती है, आंखों से जाती है. मैक्सिमम वैसे जाती तो शरीर के हर पेशी से है, जिसको आज फोटोग्राफ में देखते हैं, जिसको किरलियन फोटोग्राफी कहा गया. तो आप अगर देख रहे हैं इस पोजीशन में, जो बहू है या बेटी है पैरों को छू रही है, तो हाथों के अंदर दो चक्रा होते हैं, वो पैरों को टच कर रही है और उसके बैक में, लोअर बैक में प्रेशर आता है जब आप बेंड करते हो, एंड दैट प्रेशर इज एग्जैक्टली एट द लोअर सेंटर्स ऑफ द स्पाइन, जहां के चक्र एक्टिवेट होते हैं. और ये बूढ़ी जो भी है, दादी है, माँ है या सीनियर से, आपके सिर के ऊपर हाथ रख रहे, तो सिर के ऊपर क्या है, मॉडर्न मेडिसिन में इसको फोंटानेल कहते हैं. जब बच्चा छोटा होता है, जन्मते है, तो यहाँ पे ये एरिया सॉफ्ट रहता है. शास्त्रों में इस एरिया को ब्रह्म रंध्र कहते हैं, ब्रह्म रंध्र, क्योंकि योगियों ने अनुभव किया कि ब्रह्म की शक्ति यहां से एंटर करती है, इस एरिया से, ब्रह्म रंध्र का. रंध्र इज बेसिकली ओपनिंग, ब्रह्म का ओपनिंग है वो, माना वो एनर्जी वहां से अंदर जाती है. तो अगर आप देखो, तो ये हाथ अपने दोनों सिर के ऊपर रख रही है, ये एक्चुअली चक्रा हीलिंग है. इसमें बहुत कुछ हो रहा है, ये रिसीव कर रही है, वो दे रही है. सो वन इज रिसीवर एंड वन इज गिवर. केवल बड़ों के ही नहीं, आप ये एनर्जी सब जगह से ले सकते हैं. मुझे याद आ रहा है कि पहले टीबी का इलाज नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई. तो यहाँ महाराष्ट्र में, आई एम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. तो वहां पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचगनी. पंचगनी इज महाबलेश्वर के पास है. तो सभी टीबी पेशेंट को उधर सैनिटोरियम में भेजते थे. क्यों भेजते थे? क्योंकि वहां पे शुद्ध हवा है, नेचर है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो उससे कुछ पेशेंट ठीक हो जाते थे. दे वर टेकिंग द एनर्जी ऑफ द नेचर. जो भी योगीज है, पेड़ के साथ बैठ के तपस्या करते हैं, दे आर टेकिंग द नेचर्स एनर्जी. पेड़ से ले रहे हैं आप, पानी से ले रहे हैं, तत्वों की एनर्जी आप ले रहे हैं. इसलिए कुछ लोगों ने चक्रास को तत्वों के साथ भी जोड़ दिया है. तो आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते, ये तो केवल एक घर के लोग है. अभी दादी का या हमारी माँ का या हमारे पिताजी का बच्चों के प्रति शुभ भावना रहती है, दुआएं निकलती है. पर आप सोचो, अगर कोई इलिवेटेड कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति है, इलिवेटेड कॉन्शियसनेस जिसकी चेतना हायर प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे है, तो वो अगर किसी को आशीर्वाद देता है, हाथ रखता है, तो बस आप सोचो उस व्यक्ति के सभी ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे. इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया गया है स्पिरिचुअलिटी में, एंड देयर इज अ वर्ड फॉर इट इन इंडियन स्पिरिचुअलिटी. इसको कहते हैं शक्तिपात. इसको शक्तिपात कहा हुआ है. माना जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को जाने से पहले शक्ति ट्रांसफर करता है. अगर आपने स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ा है, तो वो अनुभव करना चाहते थे कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए. अनुभूति रिट्रीट सेंटर वाले का नाम भी बहुत अच्छा है, वो भी अनुभूति कराने वाले हैं, करते भी होंगे और कराते भी होंगे.
तो जब स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने गुरु से श्री रामकृष्ण परमहंस को, क्योंकि परमहंस सर्वश्रेष्ठ योगी थे, तो परमहंस जी ने कहा क्या तुम्हारी तैयारी है इसके लिए, क्या तुम रेडी हो, तुम सहन कर सकते हो? तो बोला हाँ मैं रेडी हूँ। तो उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर किया अपने पैरों के द्वारा, उनके हार्ट के ऊपर ही रख दिया पैर, छाती के ऊपर। तो वो बहुत लंबे समय तक वो ट्रांस में चले गए, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ करके। सो दिस इज नोन एज शक्तिपात, शक्ति का ट्रांसफर करना गुरु के द्वारा शिष्य को। इंटरेस्टिंगली ब्रह्मा कुमारीज में भी ये घटना हुई है, पर लोग उस दृष्टिकोण से हम नहीं देखते हैं। जब फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो लास्ट मोमेंट में उनके पास बड़ी दादी, जिसको हम प्यार से बड़ी दादी कहते हैं, दादी प्रकाशमणि थे। और ऐसे वर्णन आता है कि ब्रह्मा बाप ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया। नाउ दिस इज ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी थ्रू द हैंड्स। और बाबा ने कहा बच्चों को निमित्त बनाया, तो विल पावर विल किया बाबा ने कि मेरे बाद दादी प्रकाश बनी इस यज्ञ को ब्रह्मा कुमारी के संभालेंगे। सो दैट वाज एनर्जी ट्रांसफर। और अगर आप देखो ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री में, ब्रह्मा बाबा ने 33 इयर्स, 36 से 69 तक यज्ञ को संभाला, लेकिन दादी ने 69 से लेकर 2007 तक, दादी वाज चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी। सो 48 इयर्स लगभग दादी ने ब्रह्मा कुमारी को संभाला। बट किस आधार पर? दिस एनर्जी विच वॉज गिवन बाय ब्रह्मा बाबा। सो दिस इज एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, और इसी को ही चक्रा हीलिंग कहते हैं। आप सिर्फ अलग अलग पार्ट्स के ऊपर टच करते हो। मुझे और इंटरेस्टिंग लगा जब मैं इसके और गहराई में गया। भारत में और एक कहावत है कि ये डॉक्टर का हाथ अच्छा है। तो मैं सोचने लगा हाथ अच्छा है क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो डॉक्टर टच करता है पेशेंट को, तो उसके टच करने से बहुत कुछ होता है। डॉक्टर का कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, वो पूरा अंदर ट्रांसफर होती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। अभी हाथ अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटॉल और लाइफ बॉय से धोता है इसलिए अच्छा है, नहीं, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है और वो एनर्जी ही व्यक्ति को फील करती है। ऐसे बहुत सारे हीलर्स भारत में है, बट देर इज एलिमेंट ऑफ ब्लाइंड फेथ इन दैट ऑल्सो। बट मैं ये कह रहा हूँ इट वॉज अ रूटीन पार्ट इन इंडिया कि हम चक्रा हीलिंग करते थे। आगे जाएंगे, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी मीट पीपल। मॉडर्न आज के जमाने में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि पर्सनल स्पेस। मुझे मेरी पर्सनल स्पेस दो। आप जब लोगों से मिलते हो, देर इज अ सोशल नॉर्म कि आपको दूसरे व्यक्ति से कितना दूर रहना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझो। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जब आप किसी से मिलते हो, आपको नहीं पता कि आप उसकी एनर्जी को ले रहे या उससे दे रहे। अगर कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, वो कहते हैं एनर्जी सकर्स। वो आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं। यू विल फील ड्रेन्ड आफ्टर सम टाइम। थोड़े समय बाद आप अपने आप को ड्रेन, कमजोर महसूस करोगे, क्योंकि उसने आपकी पूर्ण एनर्जी को खींच लिया है। कुछ लोगों को मिलने के बाद में आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप उससे ले रहे एनर्जी। ये एनर्जी डायनामिक्स कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है कि हमको किसी से टच नहीं करना चाहिए। हम ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला कौन सी एनर्जी के साथ है। जब भी किसी का झगड़ा होता है, पति पत्नी का, आप एनर्जी एक्सचेंज दे सकते हैं। दो व्यक्ति जब प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उसका भी एनर्जी एक्सचेंज अलग होता है।
सो दिस इज लव एनर्जी एंड हेट एनर्जी, नीचे के दो पिक्चर। और आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो वहां पर भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है एंड दे आर अफेक्टिंग योर हेल्थ नोइंगली और अननोइंगली। सो दिस इज ऑल चक्रा हीलिंग विच इज हैपनिंग। मुझे तो भारत की प्रथा बहुत अच्छी लगती है, विदेश में शेक हैंड करते हैं और भारत में नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार अभी आज कोविड में बहुत इम्पोर्टेंट बना है। मैं नमस्कार के ऊपर भी बोलता हूँ कि नमस्कार बहुत सुंदर है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट वो भी नमस्कार कर रहे हैं। अभी शेक हैंड करना चाहिए कि नमस्कार करना चाहिए? एज पर चक्रा हीलिंग आपको शेक हैंड नहीं करना चाहिए, आपको नमस्कार करना चाहिए। कोविड में कोई भी शेक हैंड नहीं करता था, क्यों? क्योंकि शेक हैंड में वो तो एलोपैथी वाले बोलते हैं कि आपके वायरस है हाथ के ऊपर, वो दूसरे को दे रहे हैं आप वायरस और उससे अपने उसके वायरस ले रहे हैं। लेकिन भारत वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे पुराने हैं ना, तो वो हाथ जोड़ के कहते कि मेरे वायरस मेरे पास, तुम्हारे तुम्हारे पास, डोंट ट्रांसफर द वायरसेस। ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि उसकी एनर्जी मेरे को अफेक्ट नहीं करे। सो दिस नमस्कार इज वन ऑफ द पोज फॉर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ अदर्स एंड विद अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। केवल हम उन्हीं के साथ उन्हीं को टच करने देते थे जिनकी एनर्जी हमको पता है कि पॉजिटिव है, नहीं तो योगी किसी का टच लेते नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो उसकी कौन सी एनर्जी। तो ये सब एनर्जी डायनामिक्स में हम देख सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हम विहासा का जो सेशन लेते हैं, बहन जी ने कहा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जानकी फाउंडेशन का, और भारत में बाबा की मदद से परमात्मा की मदद से पिछले 15 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम भारत में हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जो कि प्रेसिडेंट है एंड इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, एट द एज ऑफ 86 मैंने देखा उनको, पिछले 3 माह से वो जिम जा रहे हैं। इज द ओल्डेस्ट पर्सन गोइंग टू जिम एंड डूइंग एक्सरसाइज। 86 की उम्र में वो ऑपरेशन करते हैं और उनके अंदर हम एनर्जी देखते हैं। आजकल 20-40 उम्र में ही लोग थक जाते हैं और ये 86 की उम्र में इनको रोकना पड़ता है हमको। सो दैट इज अ एनर्जी विच ही इज हैविंग। तो वो जब प्रेजेंटेशन देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विहासा, इन्होंने विहासा इज ऑन द ट्रस्ट ऑफ जानकी फाउंडेशन फॉर हेल्थ केयर, तो उन्होंने विहासा को इंडिया में लाया और उनके साथ बहुत साल काम करने का अनुभव हुआ। तो वो प्रेजेंटेशन में ये फोटो दिखाते हैं, ये फोटो है महात्मा गांधी जी एंड परचुरे शास्त्री, द पर्सन हु इज लाइंग, ही इज अ संस्कृत स्कॉलर। अभी इसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। परचुरे शास्त्री को लेप्रसी हुआ था, है ना, और उस जमाने में लेप्रसी का कोई इलाज नहीं था। आज तो दवाई आ गई है पर उस समय दवाई नहीं थी। तो परचुरे शास्त्री गांधी जी को मिलना चाहते थे वर्धा में आश्रम के बाहर, सेवाग्राम करके आश्रम है, लेकिन उनको अंदर नहीं लिया गया, उनको गेट पर ही रखा गया क्योंकि उनको लेप्रसी था। गांधी जी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब पता चली तो गांधी जी खुद उनको लेकर आए और उनके वुंड्स जो होते थे पैरों के, तो गांधी जी उसको ड्रेसिंग करते थे, जबकि उस जमाने में कोई इलाज नहीं था लेप्रसी का। तो गांधी जी को लेप्रसी नहीं हुआ और आज ये फोटो इंडिया में 1 रुपए के इसके ऊपर है और उसके ऊपर नीचे लिखा है लेप्रसी इज क्योरेबल, ये फोटो है। तो क्यों नहीं उनको हुआ? क्योंकि उनकी एनर्जी पॉजिटिव थी। हमारे एक बीके डॉक्टर है जिनका उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, वो KM हॉस्पिटल परेल में, ही इज अ चेस्ट फिजिशियन, छाती के स्पेशलिस्ट है, कुमार है, बहुत ही अच्छी बाबा के बच्चे हैं। तो मुंबई में एक टीबी का हॉस्पिटल है 300 बेड का, वहां पे पूरे हवा में ही टीबी के बैसिलाए है क्योंकि सब सीवियर केसेस उधर भेजे जाते हैं। वहां पे हर व्यक्ति मास्क लेके बहुत सालों से चलता है और जो डॉक्टर जाते हैं उनको भी टीबी होता है, लेकिन ये बाबा के बच्चे को इतने साल में एक बार भी टीबी नहीं हुआ।
और वो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ऐसे क्यों होता है कि इन्फेक्शन जब आप काम कर रहे हैं आपको होना चाहिए, जबकि इसका इलाज नहीं था उस समय। महाराष्ट्र में ऐसे लोग होके गए, बाबा आमटे का नाम लेते हैं, वो लेप्रेसी पेशेंट के साथ काम करते थे। रिसेंटली मैं कोविड का अनुभव सुनाऊंगा, मधुबन में हमारे एक डॉक्टर है, मना मधुबन में आए थे, वो है ग्वालियर से, डॉक्टर ब्रजेश सिंगल, यूरोलॉजिस्ट यूरोसर्जन है। उनके हॉस्पिटल में जब कोविड के पेशेंट एडमिट होते थे तो वो मास्क नहीं लगाते थे, और वो और उनका कोई भी स्टाफ, और बिल्कुल पेशेंट को टच करते थे, लेकिन उनको किसी को भी कोविड नहीं हुआ। दिस इज, ये हमारे समझ के बाहर है, उन्होंने ये अनुभव सुनाया। तो ये कैसे होता है कि इतना डर कोविड का था और ये लोग बिंदास काम कर रहे हैं? तो उनके अंदर डर नहीं था और उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जैसे गांधी जी का फोटो दिखाया। तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी एनर्जी अंदर से अच्छी है, तो आपके ऊपर ये निगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके लिए बहुत अच्छी साधना चाहिए, बहुत माइंड पॉजिटिव चाहिए, तभी आप इससे बच सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने 2 साल कोविड में काम किया और मुझे लंग्स में अस्थमा भी था उस समय, और मुझे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने को बोला कि वेदर यू आर फिट टू वर्क इन कोविड। तो चेस फिजिशियन हमारे डॉक्टर शेखर कदम, जो दादी गुलजार की सेवा में थे, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया, और तब मेरे को IIT मुंबई में उन्होंने लिया, और मैंने कोविड में काम किया, 2 साल तक किया, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ कोविड, जबकि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, माना इधर नाक में हमेशा इचिंग होता है, तो बार बार ऐसे करते हैं तो नाक में हाथ जाते हैं और ये वायरस ऐसे नाक में जाता है, और मैं मास्क भी उतार देता था क्योंकि सफोकेशन होता था, लेकिन हमको 2 साल में कभी नहीं हुआ। आई वॉज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑल्सो, BST, जहां पे ये मुंबई में BST बसेस घूमते हैं, तो ड्राइवर कंडक्टर उनको पहले होता है, उनसे हमको होता है, लेकिन मुझे नहीं हुआ। वी गिव क्रेडिट टू गॉड, पर समवेयर समथिंग इज वर्किंग, हमारी एनर्जी काम कर रही होती है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि अगर हमारी एनर्जी अच्छी है, हमारे चक्रास और एनर्जी सेंटर्स, विच इज अ बेटर वर्ड फॉर चक्रा, क्योंकि चक्र बोलते ही लोगों के अंदर वो मंत्र और कलर्स ये सब बातें आती है, मुझे मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ तो सपोर्ट चाहिए था इसलिए ये सब क्रिएट किया गया। तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, यू आर वाइब्रेटिंग विथ वेरी हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, तो आपके ऊपर इसका असर नहीं आता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट। ये सब बैकग्राउंड था, मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है। देयर आर 7 chakras. Actually, there are many chakras. Some people talk about 114 chakras. But basic 7 chakras है, जो main है, जो हमने endocrine gland के साथ देखे, हमारे शरीर के अंदर अंतस्रावी ग्रंथियां है, उसके साथ देखा या plexus के साथ देखा। तो ये these are not in physical bodies. ये स्थूल शरीर में नहीं है, ये हमारे energy शरीर में है, और ये आंखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है? जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम सूक्ष्म शरीर को एक्सेप्ट नहीं करते। वी डू नॉट एक्सेप्ट द सटल बॉडी। वी सटल बॉडी कुछ नहीं है, सूक्ष्म शरीर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल। मैंने पहले भी कहा, दो ही चीजें है, शरीर और आत्मा, लेकिन आत्मा की भी तो लाइट है ना। आत्मा की लाइट है, जैसे रूम के अंदर बल्ब जला हुआ रहता है, वो बल्ब का प्रकाश पूरे रूम में फैलता है, ऐसे ही आत्मा अगर इधर है तो उसका प्रकाश पूरे शरीर में है। तो दिस इज व्हाट इज सटल बॉडी या एनर्जी बॉडी, आप जो भी नाम कहो, उसके अंदर ये एनर्जी सेंटर्स है। तो ये एनर्जी सेंटर्स है जो ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी चक्रस के बारे में बताया, उन्होंने इनको घूमते हुए देखा है। दे आर स्पिनिंग व्हील्स, ऐसे घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने उसके लोकेशंस देखे, तो वो लोकेशन इस प्रकार से है। अगर आप इस चित्र को अच्छे से देखो तो टॉप जो चक्रा है वो शरीर के बाहर है, ठीक है ना, ये भी समझने जैसी बात है, शरीर के बाहर है।
बाकी छह चक्र अंदर है, शरीर के साथ है। हमको ये समझाने के लिए स्थूल शरीर को ही बार बार बोलना पड़ता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे नीचे जो है वो है मूलाधार, उसके ऊपर आप जाओ तो है स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर आप जाओ तो है मणिपुर, उसके ऊपर जाओ तो है अनाहत, उसके ऊपर जाओ। ये सब शब्द बहुत सुंदर है संस्कृत के, अनाहत ये भी शब्द बहुत सुंदर है, हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद है गले में विशुद्ध चक्र, यहाँ पे बिटवीन द टू ब्रोज आईब्रोज, इसे आज्ञा चक्र, क्योंकि हम सब ऑर्डर्स यहाँ से देते हैं। और टॉप में है सहस्त्रार चक्र, तो ये सब चक्र का पर्पस है। मैं तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के साथ मैंने देखा दे आर कनेक्टेड, तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया। तो वो सबसे बॉटम वाला चक्र है, उसको कहते हैं मूल आधार, जिसका कलर लाल है, वो हमारे आत्मा के गुणों के साथ जाते हैं। ये सभी सात चक्र हमने पहले भी देखा, शरीर का आधार है संस्कार, संस्कार के आधार से शरीर होता है, और आत्मा में ये सात गुण है, बेसिक सात गुण आत्मा में है जिसके आधार पर शरीर बनता है। तो सबसे मूल में है पावर, विच इज रेड इन कलर, ऊपर जाओ तो प्यूरिटी है। इसका हर एक का निगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है तो निगेटिव भी साइड है। फिर है मणिपुर, विच इज हैप्पीनेस, ये सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मूलाधार शक्ति के साथ है, स्वादिष्ठान प्यूरिटी के साथ है, और पेट में ऊपर डाइजेशन के पास अपर एब्डोमेन में मणिपुर आता है, वो हमारे खुशी के साथ है, कहते खाना खा के खुशी मिले। फिर हार्ट में लव है ना, लव इज द क्वालिटी। फिर और हार्ट और थ्रोट के बीच में पीस है, क्योंकि शांति लंग्स के साथ जाती है। फिर ब्रेन में नॉलेज है, और जब आपके अंदर ये सब है तो अल्टीमेटली यू आर इन ब्लिस, आप आनंद स्वरूप में चले जाते हैं। तो ऑल दिस सेवन सेंटर इनफैक्ट आर कनेक्टेड विद द सेवन क्वालिटीज ऑफ द सोल, इनेट क्वालिटीज। अभी इसका निगेटिव साइड क्या है, तो सर्वाइवल के साथ फियर ऑफ सर्वाइवल, इनसिक्योरिटी भी है तो फियर है। प्लेजर के साथ गिल्ट है, विल पावर के साथ शेम है, लव के साथ ग्रीफ है, ट्रूथ के साथ लाइज है। आप सच बोलते हो ना, ये एक्सप्रेशन का है, हम देखेंगे विशुद्ध चक्र के बारे में। फिर इनसाइट के साथ इल्यूजन है, क्योंकि ये चक्र कहता है आई सी, मुझे दिखाई देता है। भारत में जो फिलोसॉफी है उसको फिलोसॉफी नहीं कहते, उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो जब ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो हमको इनसाइट आते हैं बहुत सारे, और जब वो इनसाइट क्लियर नहीं तो इल्यूजन होता है। और टॉप में हम कनेक्टेड विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो जब नहीं जुड़ते हैं तो ईगो होता है, अटैचमेंट होता है। तो ऑल द चक्रास हैव सर्टेन वैल्यूज, और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हम इन वैल्यूज के ऊपर फोकस करें, इन गुणों के ऊपर फोकस करें, तो वो चक्र हमारा ठीक रहता है। और मैं चक्र हीलिंग में अफर्मेशन ही देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बाकी सभी टेक्निक्स है, डाइट है, टैपिंग है, वो जेम्स को इस्तेमाल करते हैं, कलर को इस्तेमाल करते हैं, मंत्र को इस्तेमाल करते हैं, मुझे ऐसे लगता है केवल संकल्प से, थॉट पावर से आप इन चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें हम पंचकोश के आधार पर अगर देखेंगे तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन दो कोश के ऊपर काम करते हैं। तो मनमय कोश और विज्ञानमय कोश में काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे सटल और अन्नमय कोश के ऊपर उसका असर जाएगा। सो इट इज वेरी सटल। तो सूक्ष्म में जाएंगे हम, इसलिए एफर्मेशन को लेते हैं या संकल्प शक्ति के प्रयोग को हम लेंगे। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चक्रा। अभी और क्या इसके बारे में बताया जाता है वो हम देखेंगे, मेरे पास 15 मिनट है। देर आर थ्री एनर्जीज,
अगर आपने अभी तक समझा है इस पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से, तो ये पूरा एनर्जी का खेल है और ये तीन एनर्जी अनादि है। ये ब्रह्मा कुमारीज राजयोग में बेसिक 7 डेज कोर्स में सिखाया जाता है और ये पूरा खेल इन तीन एनर्जीज का है। एक आप एक देख रहे हो, ये सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम हीलर, जिसको गॉड अल्लाह ईश्वर कहते हैं या भारत में वैद्यनाथ कहते हैं, अविनाशी सर्जन है, पतित पावन है, हमारे सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है। दूसरी एनर्जी है सोल एनर्जी, इट्स लाइक अ बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई। और तीसरी जिसके अंदर ये सोल बैठता है वो है एलिमेंट्स, प्रकृति, प्रकृति पुरुष और परम पुरुष, ऐसे तीन शब्द भारत में दिए गए, प्रकृति पुरुष और परम पुरुष। ये तीन एनर्जी का इंटरेक्शन है, शिव शक्ति का डांस कहा गया, भगवान की लीला, ये सब अलग अलग शब्द दिए गए हैं। तो ये एनर्जी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। सो चक्रा हीलिंग इज नथिंग बट एनर्जी हीलिंग, और इसको अगर हम अच्छी तरह से यूज करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप इन देवताओं को देखेंगे, ये ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है, ब्रह्मा कुमारी में ये विजन दिया जाता है, नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बने। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, इस चित्र को भी बहुत सुंदर, बहुत सोच समझ के बताया हुआ बनाया हुआ है, अगर आप इनको देखेंगे तो इन दोनों के पास ताज है। अगर आप देख रहे, एक रत्न जड़ित ताज है और सिर के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक लाइट दिखाई हुई है, जिसको हमको परमात्मा ने बताया पवित्रता का ताज है। एक्चुअली अगर चक्रा हीलिंग की भाषा में कहा जाए, सो इनके चक्रा बैलेंस में है, टॉप अप है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, एंड दे आर अलाइनमेंट विथ ईच अदर। ये 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, कोई बीमारी नहीं है, न तन की न मन की। दिस इज चक्रा हीलिंग। और ये कैसे किया इन्होंने, तो इन्होंने सुप्रीम एनर्जी के साथ स्वयं को कनेक्ट करके ऐसे बनाया है। तो अगर हमारा योग सुप्रीम एनर्जी के साथ अच्छी तरह से है तो हमारे सभी चक्रास हम ओपन कर सकते हैं और हम भी लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। सो वॉट आर चक्रास? दे आर दिस एनर्जी सेंटर प्रेजेंट इन द बॉडी नियर स्पाइनल कॉर्ड, और दो हाथों में होते हैं। दे आर वेरी माइन्यूट इन स्ट्रक्चर, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ना एक्सरे, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी से दिखाई देते हैं। आज तक ऐसा डिवाइस नहीं बना है, हालांकि रशिया में किरलियन कैमरा बना है जो ऑरा का फोटो निकालते हैं, बट हमारे शरीर के बाहर पर उसमें चक्र नहीं दिखाई देते हैं, लाइट दिखाई देते हैं। अभी ये सब चक्र हमारे दिन भर में अलग अलग स्पीड पर होते हैं, इनकी वेवलेंथ कलर अलग अलग होती है, रेड टू वायलेट, और ये अलग अलग एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो आप अभी अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी कौन सी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आप थके हुए हैं या चिड़चिड़े हैं या प्रसन्न है, ये सब एनर्जीज है जिसको मूड्स कहते हैं। और इस तरह से ये अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर होते हैं, इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। दिस इज फर्स्ट मूलाधार, इसके स्वाधिष्ठान मणिपुर, ये बैक साइड से दिखाया हुआ है, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा एंड सहस्त्रार चक्र। और आप अगर देखेंगे जो भी विजनरीज है जिन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, उन्होंने इसको, क्योंकि हम कोई भी चीज नेचर से ही समझते हैं, जैसे नेचर में फूल होते हैं उसको पेटल्स होते हैं, वैसे इन्होंने पेटल्स के फोटो दिए हुए। अगर आप देखेंगे तो पहले चक्र में 4 पेटल्स है, फिर ये 6 हो गए, फिर ये 8 हो गए, 12, 16, और फिर लास्ट में सहस्त्र, बहुत सारे पेटल्स है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये साउंड थेरेपी है, जैसे ब्रह्मा कुमारी में, अगर आप हिस्ट्री ब्रह्मा कुमारी की पढ़े हो तो ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा शुरुआत में ओम की ध्वनि करते थे, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का पहले का नाम था ओम मंडली। अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
हम ये कहते हैं कि जो चक्रा हीलिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग, दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, वो नीचे से चालू करते हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान, माना आप रेड ऑरेंज येलो ऐसे कलर लेते हैं, ग्रीन फिर ब्लू फिर इंडिगो एंड वायलेट, तो वो मूलाधार से चालू करते लम वम रम यम ऐसे बोलते हैं हम, और ओम लास्ट में बोलते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि जहां पर आपका चक्रा हीलिंग समाप्त तो होता है वहां ब्रह्मा कुमारी का राजयोग शुरुआत होता है, दैट इज आवर बिगनिंग। हमने नीचे के सभी स्टेट्स को बाईपास करके डायरेक्ट सोल के ऊपर आ जाते हैं। अब ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं परमात्मा ने हमको कहा कि कम आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये सब बॉडी के हीलिंग के लिए ठीक है लेकिन अल्टीमेटली आपको यहां पर ही आना है। तो वो ऐसे कहते हैं लम वम रम यम हम ओम, और ओम के बाद साइलेंस। तो हमको पता है ब्रह्मा कुमारी में हम जब राजयोग करते हैं हम डायरेक्ट ये एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, और जब हम ओम अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परम धाम जो हमारा घर है वहां पर चले जाते हैं, और वहां पे केवल साइलेंस है, तो ऑटोमेटिकली सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। लेकिन हीलिंग के पर्पस से, जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है ना, मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, मेरे दोनों पैरों में थकावट है, मैं टायर्ड महसूस करता हूँ, मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन है या वहां पे गांठ है, मेरे को एसिडिटी होती है या हार्ट में पेन होता है, तो ये क्या हो गया, लोकल डिसीजेस। तो जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हार्ट के लिए, या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते पेट की समस्या के लिए, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो फीमेल्स के प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए, या हड्डियों के दर्द के लिए ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, तो ये स्पेशलिस्ट हो गए ना लोकल एरियाज के। ऐसे ही पहले के जमाने में चक्रा हीलर्स थे, वो चक्र को ठीक करते थे और उनकी बीमारी को ठीक किया जा सकता था, सो दे वेर हीलर्स। तो हीलिंग के हिसाब से हम इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये चक्र जाते हैं, हम एक एक चक्र को डिटेल में देखने वाले हैं। सो एरियाज ऑफ चक्रा अभी हमने पीछे से देखा, अभी आगे से देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका लोकेशन होता है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से आप उस एनर्जी को फोकस कर सकते हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमको परमात्मा ने बताया कि योग का प्रयोग करो, सो व्हाट इज योग का प्रयोग, जो मेडिटेशन की एनर्जी हम परमात्मा को याद करके लेते हैं उसको इस एरिया के ऊपर फोकस करना है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मेरा भाग्य रहा कि मधुबन में हम रहे कुछ साल, तो वहां पर कैड का प्रोजेक्ट चलता है, और हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता कैड रिग्रेशन में विजुअलाइजेशन देते, तो मैं शुरुआत से साथ में था। तो हम क्या करते थे, शिव बाबा की एनर्जी को लेके आत्मा के ऊपर, परमात्मा की एनर्जी, और फिर हार्ट के ऊपर छोड़ते थे, क्योंकि हार्ट में वो जो कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है वहां पे कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स जमा होकर उसको ब्लॉक करते हैं। तो हम क्या करते थे, परमात्मा की एनर्जी को पहले आत्मा के ऊपर लेके यहाँ पर छोड़ते हार्ट के ऊपर, और विजुअलाइज करते थे कि ब्लॉकेजेस आर गेटिंग डिजॉल्व, आर्टरीज ओपन हो रही है। और साथ में हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते थे जिसमें मुझे याद आ रहा है ओपनिंग द माइंड सेशन होता था, क्योंकि माइंड के अंदर भी ब्लॉक है, सोल के अंदर भी ब्लॉक है, शरीर के अंदर ब्लॉक है, तो हर एक लेवल से निकालने की कोशिश करते थे, और तब हमको रिजल्ट मिलता था कि इसकी आर्टरी ओपन हो गई करके। तो ये क्या था, ये था योग का प्रयोग ऑन अनाहत चक्र, बट बेस्ड ऑन मॉडर्न मेडिसिन साइंस। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर चक्रा को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर सटल बॉडी, क्योंकि कैड का प्रिंसिपल ही यही था कि हमारे बीमारी जो है पहले सूक्ष्म में आती है और फिर बाद में स्थूल में आती है, ये दिस वॉज अवर प्रिंसिपल, जो कि भगवत गीता में भी कहा गया है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में है, सांख्य योग में एक श्लोक आता है 28वां, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, माने हर चीज पहले अव्यक्त में होती है, फिर व्यक्त में आती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। अव्यक्त माना जो दिखाई नहीं देती, तो अव्यक्त माना कहाँ आती है, मन के अंदर आती है। तो आज हम डॉक्टर्स ये मानते हैं कि बीमारी पहले मन के अंदर आती है, साइकोसोमैटिक कहते हैं, साइक एंड देन सोमा। तो मन के अंदर आती है एज अ डिस्टर्बेंस, और फिर मन में रहती है लंबे समय तक, और फिर वो बॉडी में आ जाती है। जैसे आज किसी को एंग्जाइटी है, समझो चिंता की बीमारी है, तो उसके ब्रेन में चेंजेस नहीं है अभी, लेकिन वो एंग्जाइटी अगर चिंता लंबे समय तक रही या डिप्रेशन लंबे समय तक रहा, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग देन फिजिकल ऑर्गन्स आफ्टर सम टाइम, और आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, या जो माइक्रो वेसल्स होते हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज बहुत बारीक होती है बालों की इतनी, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर हम उसको सीटी स्कैन एमआरआई में देखते, लेकिन शुरुआत में हमको कुछ नहीं दिखेगा, ये आज एलोपैथी के डॉक्टर मानते हैं। तो मन से फिर तन में आती, हम उधर ही उसको प्लग करें तो सूक्ष्म में निकालते तो स्थूल शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सो दीज आर द एरियाज ऑफ चक्रास। आगे से फिर इसमें और भी है नाड़ी संस्थान, मेरे पास 5 मिनट है, नाड़ी के बारे में मैं बता देता हूँ, आगे भी हम आने वाले हैं। देर इज समथिंग नोन एज कुंडलिनी शक्ति, आप सबने सुना होगा। अगर अभी वो कहते हैं कि बेस ऑफ स्पाइन में कुंडलिनी है, अगर मैं अभी स्पाइन का ऑपरेशन करके वहां देखूं, वहां मुझे कोई कुंडलिनी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये आंखों से दिखाई देने वाली नहीं। इसका भाव यही है, वो कहते हैं कि वो सर्प की तरह बैठे, उसका मुंह ऊपर है, और ये तीन जो नाड़ी बताई है, ईडा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना होती है, तो ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ऐसा वर्णन है, और ये ऐसे क्रिस क्रॉस जाती है। एक्चुअली ये फोटो ऐसा है कि वो स्नेक की तरह जाती है, और दोनों एक दूसरे को जहां स्नेक क्रॉस करते हैं वो पॉइंट है चक्रा का पॉइंट, जहां पे ये दो नाड़ी, ये योगियों ने, हट योगियों ने अपने योग में देखा हुआ। बेसिकली ये वर्णन है आत्मा की शक्ति के जागृत होने का, ठीक है ना। हम इसको इसी तरह से लेंगे, बाकी अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे उसमें से भी विशेष जो इसके डिटेल में जाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र में एक संत होके गए, संत ज्ञानेश्वर, जिनको भी परमात्मा याद करते हैं, उन्होंने इसका बहुत डिटेल वर्णन किया हुआ है, कि जो 6th चैप्टर है भगवत गीता, अभ्यास योग या आत्म संयम योग, जब ये शक्ति जागृत होती है तो क्या क्या होता है शरीर में चेंजेस। तो ये एक्सपीरियंस है कुछ योगियों के, हमको उसमें नहीं जाना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में रुकना चाहूंगा। यस, ये देखो आप इसमें, इस चित्र में देख रहे हैं, ये जहां पर ये स्नेक क्रॉस हो रहे एक दूसरे को, वहां पे चक्रा है, और ये जब यहाँ पर आते हैं दो आंखों के बीच में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइट दिखाई दी है, तो इसको कहते हैं ये आत्मा इलिवेटेड सोल है, क्योंकि इसकी ये शक्ति जागृत हो गए। तो इस दशा में बहुत सारे पावर्स आते हैं आपके अंदर, ऐसे योगी लोग मानते हैं। तो ये नाड़ीज और चक्रा का वर्णन है, ईड़ा पिंगला नाड़ी, एंड देर आर टेक्निक्स बाय विच आप इन एनर्जीज को ऊपर उठाते हैं। योग माना ऊर्जा का वृद्धिकरण, एलोपैथी वाले इसको सब्लिमेशन, दे यूज द वर्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन माना आपकी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है, द एलिमेंट्स आर पुलिंग यू, या जिसको हम ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं बॉडी कॉन्शियस है, और जैसे आप सोल कॉन्शियस होते हैं या सुप्रीम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्मा अभिमानी और परमात्मा भी, आप इस एलिमेंट से परे निकलने लगते हो। सो इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, यू आर बियॉन्ड। तो आपको बीमारी अगर आती भी है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता, आप इससे परे चले जाते हैं। So this is auras and chakras, this is elements and chakras. Last में मैं elements and chakras के बारे में बता के रुकना चाहूंगा। अगर आप अपने, ये मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा, अगर आप इस हाथ को अपने बॉडी में रखे, तो इन्होंने चक्रा को तत्वों के साथ भी जोड़ने की कोशिश की है। तो सबसे नीचे अर्थ है, अर्थ पृथ्वी चक्र, फिर पानी है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। तो इसको भी वैदिक हीलिंग कहते हैं। अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, 5 ही तत्व हमारे शरीर के साथ कैसे जुड़े हुए हैं,
ये पांच उंगलियों को आप अगर रखेंगे तो नीचे है पृथ्वी तत्व, भारी होता है, नीचे की तरफ जाता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं, अब स्थूल भाषा में समझाते, खाना खाते हैं तो उसका जो मल बनता है फीसेस, वो नीचे की तरफ जाता है। थोड़ा ऊपर आओ, जहां पे मूलाधार चक्र, ऊपर आओ तो हमारे पेट में जो यूरिन एक्यूमुलेट होता है पानी, वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें पानी होता है, वो जल तत्व है, स्वादिष्ठान है। थोड़ा ऊपर आओ तो पेट के अंदर, जहां मणिपुर चक्र है, वहां पेट में एसिड होता है या पेनक्रेटिक जूस होता है, इट इज लाइक अ फायर, ये बहुत एसिडिक होता है। रात को पीएच हमारे पेट के एसिड का 2 तक चला जाता है, सो दैट इज फायर, अग्नि तत्व है। आप थोड़ा ऊपर आओ तो छाती में, लंग्स में एयर होता है, तो वो वायु तत्व है। और आप ऊपर जाते हो छाती के ऊपर तो फेस के अंदर देर आर साइनसिस, साइनसिस क्या है, आकाश तत्व है, वहां कुछ नहीं है, स्पेस है, तो आकाश तत्व है। तो पृथ्वी आप, तेज, वायु, आकाश, और जब इन आप पांचों ही तत्वों को जीत जाते हैं तब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, और सोल कॉन्शियस से सुप्रीम सोल कॉन्शियस, और आपकी, आपके ऊपर ये तत्व प्रभाव नहीं डालते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड विथ एलिमेंट्स ऑल्सो। लेट्स डू मेडिटेशन। हम इस चक्रा को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे। जैसे मैंने फिर से कहा कि देर आर ओनली टू थिंग्स, सोल एंड बॉडी, है ना। चक्रा स्थूल शरीर में नहीं है, बट देर आर एनर्जी सेंटर्स। तो बेसिकली जब हम चक्रा हीलिंग में लोअर से अपर की तरफ जा रहे होते, सो वी स्टार्ट विद मूलाधार, देन वी गो टू स्वादिष्ठान, देन वी गो टू मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एंड देन बियॉन्ड। तो मैं जब भी मेडिटेशन करता, इट इज लाइक कमिंग आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस इनटू सोल कॉन्शियसनेस। सिर्फ हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो हम सभी अलर्ट हो जाएंगे, तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, महसूस करेंगे कि मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, हल्का, रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा शांत और रिलैक्स। मैंने आज महसूस किया कि जैसे ये स्थूल शरीर है, वैसे ही शरीर के अंदर अलग अलग शीट्स या लेयर्स हैं। ये अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। जैसे जैसे मैं सूक्ष्म होता जा रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे अंदर अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हैं। मैं खुद एक एनर्जी हूं, इस शरीर की मालिक हूं, इस शरीर के अंदर दो आंखों के बीच निवास करने वाली चैतन्य शक्ति हूं, और इस शरीर को धारण किए हुए परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जो सुप्रीम हीलर है, अविनाशी सर्जन है, सर्वशक्तिवान है। उससे एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और ये एनर्जी मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। जैसे ये एनर्जी मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है, मैं
मेरे शरीर और मन के अंदर जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो सब ओपन हो रहे हैं। देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जी थ्रू आउट माई माइंड एंड बॉडी। विजुअलाइज करेंगे परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर फ्लो हो रही है, मेरे शरीर के अंदर के सभी ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं। ऑल द एनर्जी सेंटर्स आर ओपनिंग अप, दे आर क्लीन एंड वाइब्रेटिंग विद द प्योर एनर्जी ऑफ गॉड। Every cell of my physical body is getting detoxified. मेरा शरीर और मन शांत होते जा रहे हैं, शांत। मैं शरीर के हर हिस्से के ऊपर फोकस करूंगा, स्टार्टिंग विद द बेस ऑफ द स्पाइन, then between the navel and the base of the spine, between the chest and the umbilicus, nabhi aur chhati ke beech mein meri energy is sharir ke band se bahar nikalte ja rahe hai, heart chakra ke upar, chhati mein andar jo bhi blockages hai open ho rahe hai। जैसे मेरा कॉन्शियसनेस ऊपर की तरफ आ रहा है, गले के अंदर थायराइड एंड पैराथायराइड ऊपर आएंगे, सिर के बीच में, दो आंखों के बीच में, माय लोअर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना के निचले स्तर से ऊपर के स्तर की तरफ जा रहा हूँ, शरीर के भान से परे हो रहा हूँ। आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। आई एम अ प्योर डिवाइन एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, फुल्ली चार्ज। मेरा शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहे हूँ, शांत और प्रसन्न। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।